आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर। तो इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। तो इसमें हम जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेटर के टाइप्स क्या क्या हैं, यानी ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में करते हैं अपने प्रोग्राम के टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। तो हमने लिखा ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस। ऑपरेटर का यूज़ हम मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो ऑपरेटर का जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें ये टास्क परफॉर्म कराना है और हमको इसका आउटपुट चाहिए, इसका ये रिज़ल्ट हम चाहते हैं। जैसे ऐड टू नंबर, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं जो कि अरिथमेटिक का टाइप होता है। तो इसमें हम बोलते हैं कि हमें दो नंबर या तीन नंबर का एडिशन चाहिए, तो कंपाइलर हमें परफॉर्म करा के देता है। तो ये मैथमेटिकल टास्क हुआ। तो इसी काम के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और हम ऑपरेटर का यूज़ या तो वेरिएबल या फिर वैल्यूज़ में करते हैं। अगर हम वैल्यूज़ पहले ही वेरिएबल में असाइन कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ में ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम वेरिएबल में भी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जैसे a प्लस बी, ए माइनस बी, रिमाइंडर निकालना हो इसके लिए करते हैं। तो ये है ऑपरेटर क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ऑपरेटर के टाइप्स क्या होते हैं। इस ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में तीन कैटेगरी में बांटा गया है, यानी थ्री टाइप्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर लिखते हैं और इसके थ्री टाइप्स को लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है यूनरी, ये ऑपरेटर का सी लैंग्वेज में सबसे फर्स्ट टाइप है। और सेकंड होता है बाइनरी, ये बाइनरी ऑपरेटर सेकंड टाइप से। और थर्ड होता है टर्नरी, टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये हो गए थ्री टाइप्स ऑपरेटर के। अब इन थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो आपको दिख रहे हैं, इन थ्री टाइप्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या आते हैं चलिए जान लेते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में आता है सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए यूनरी ऑपरेटर में आता है क्योंकि यूनरी ऑपरेटर हम उस ऑपरेटर के कहते हैं जो एक ऑपरेंड पे काम करता है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। जैसे अगर हमारा इंट ए है और ए की वैल्यू 10 है तो हम प्लस प्लस ए करेंगे तो वो वैल्यू 11 हो जाएगा। तो ए यहाँ पे ऑपरेंड है और ये सिंगल ऑपरेंड है क्योंकि यहाँ पे कोई ए के बाद बी या सी नहीं है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, इसीलिए इसे यूनरी की कैटेगरी में रखा गया है। और सेकेंड आता है साइज ऑफ ऑपरेटर, ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि अगर हम साइज ऑफ के अंदर अगर हमारा वेरिएबल इंट टाइप का है, अगर हम ए को लिख देते हैं तो ये हमें 2 बाइट या फिर 4 बाइट कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है साइज डेटा टाइप या वेरिएबल का, तो ये हमें आउटपुट देगा। तो साइज ऑफ ऑपरेटर भी सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, इसीलिए इसे भी यूनरी की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये दो ऑपरेटर होते हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर होते हैं। अगर हम ए बी लिख देते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर तो ये गलत होगा, ये हमें एरर शो करेगा। तो सिंगल ऑपरेंड लिखना है हमेशा। तो इन्हीं दो ऑपरेटर्स को यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम जान लेते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये रहे यूनरी के टाइप्स, अब बाइनरी के टाइप्स हम बताते हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर के टाइप होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये जो भी ऑपरेटर हैं ये बाइनरी ऑपरेटर के टाइप्स हैं। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, ये इसलिए बाइनरी ऑपरेटर के टाइप्स आते हैं क्योंकि इनका यूज़ हम दो ऑपरेंड में करते हैं। यानी ए ऑपरेटर विच कंटेन ओनली टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक में अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनल या लॉजिकल ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना है अपने प्रोग्राम में तो आपके पास दो ऑपरेंड होना चाहिए, तभी आप इन ऑपरेटर का यूज़ करके अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करा सकते हैं। तो और देखते हैं बाइनरी ऑपरेटर में, तो बिटवाइज ऑपरेटर,
ये भी बाउंड्री ऑपरेटर का ही पार्ट है। असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये बाउंड्री ऑपरेटर के सारे टाइप से, क्योंकि इनमें टू ऑपरेंड का यूज करके हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराते हैं, जबकि यूनरी ऑपरेटर में जो हमने आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या साइज ऑफ ऑपरेटर बताया, ये सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, एक ऑपरेंड होना चाहिए। तो इसमें अगर हमें ए प्लस बी करना हो तो हम अरिथमेटिक का यूज करेंगे। रिलेशनल में अगर हमें लेस देन ग्रेटर देन चेक करना हो तो हम रिलेशनल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो ऑपरेंड आ रहे हैं, ए बी हमारा ऑपरेंड से और प्लस हमारा ऑपरेटर है। अगर हमें लॉजिकल परफॉर्म कराना है तो ए और बी हम लिखेंगे, तो जो भी सिंबल आपको दिखेगा वो ऑपरेटर है, और वेरिएबल जो दिख रहा है ए बी वो हमारा ऑपरेंड है यहाँ पे। तो लॉजिकल अगर हमें कराना हो तो ए और बी लिखेंगे। इसी तरह बिटवाइस कराना हो तो बिटवाइस के लिए भी हम लिखते हैं। असाइनमेंट कराना हो तो असाइनमेंट के लिए भी हम लिखते हैं। रिलेशनल में हम कभी कभी इक्वल इक्वल सिंबल का यूज करके दो नंबर को कंपेयर भी करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, किसे कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर ये थर्ड सब पार्ट होता है ऑपरेटर का। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें कंडीशन चेक करना हो। दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में अगर हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं, अगर हमारे पास तीन एक्सप्रेशन है, चार एक्सप्रेशन है, तब हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और कंडीशन चेक करते हैं जो भी हमें परफॉर्म कराना होता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क कॉलन, इससे हम टर्नरी ऑपरेटर को ये करते हैं, डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे समझाते हैं कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास दो ऑपरेंड से तीन भी हो सकते हैं, टर्नरी में दो या दो से ज़्यादा होते हैं, तो अगर इनमें हमें देखना है कि ग्रेटर क्या है, ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है, तो इन ऑपरेंड्स को लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है। उसके बाद अगर ए का वैल्यू ग्रेटर हुआ तो ए प्रिंट करेंगे, ए लिखेंगे हम, कॉलन, कॉलन लिखना जरूरी है, तभी यहाँ पे कंडीशन सब्स्टिट्यूट होगा, ए प्रिंट होना चाहिए कि बी का वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो ये दो ऑपरेटर है, और ए और बी जो आपको दिख रहा है ये ऑपरेंड्स है। तो ये होते हैं ऑपरेटर के थ्री टाइप्स। तो यहाँ पे ए बी ऑपरेटर है, हमने आपको पहले भी बताया था। तो ऑपरेटर को सी लैंग्वेज में थ्री सब पार्ट में बांटा गया है, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, और यूनरी को भी टू सब पार्ट में बांटा गया है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर। क्योंकि हमने आपको बताया कि यूनरी वो ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर को भी फाइव सब पार्ट में बांटा गया है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइस, असाइनमेंट। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर के सब पार्ट हैं जिनका यूज हम दो ऑपरेंड्स का यूज करके करते हैं। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर ये थर्ड सब पार्ट है ऑपरेटर का। इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन अगर हमारे पास होते हैं कंडीशन चेक करने के लिए तो हम करते हैं, और टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर के टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि यूनरी ऑपरेटर के जो सब पार्ट हैं, बाइनरी ऑपरेटर के जो सब पार्ट हैं, इनके इनका डेफिनेशंस क्या होता है, इन्हें हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही हमारा ये इस वीक में टॉपिक चलेगा, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर के जो सब पार्ट हैं, इन्हीं के ऊपर हम डिटेल में जानेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।